ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेस हो सकता है, आपकी है? यस, ये मेरी ही है। इतना थोड़ा सा लिया है, वाइन है ये, और इसको चाय करते हैं। आज तक कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया मैंने, लेट्स सी इतना कर पाता हूँ कि नहीं। सुबह सुबह का वक्त था, हम निकल पड़े थे पालघर की तरफ जहाँ पे एक काम निपटा के हमें आना था, और उसके बाद सही मायनों में इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पे रुका नारियल पानी पीने के लिए, सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा निराशा भी हुआ। क्यों पता है आपको? शाम के 6:45 हो रहे हैं इस वक्त, और इतने बड़े ग्राउंड में सिर्फ दो लोग खेल रहे थे, अभी जाके 3-4 बच्चे और यहाँ पे जाना शुरू हुए। जब हम अपने दौर में थे तो बच्चे ज्यादा होते थे, टीम में किसको खिलाए ये मुश्किल हो जाता था। इस वक्त हमें विरार के राजौड़ी बीच पे, पहले यहाँ पे इतने लोग और ये इतना सब रेस्टोरेंट वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन बीते पिछले एक वर्षों में यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कचड़े भी बढ़े हैं। हालांकि जहाँ से हम एंटर करते हैं इस बीच पे, वहाँ पे कचरा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से बीच पे निकलते हैं, यहाँ से नीचे लिया गाड़ी। वैसे पानी आज बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक है, यूजुअली ये बहुत नीचे होता है, मतलब यहाँ सामने बहुत दूर तक वॉक किया जा सकता है। आज हाई टाइड होगा वैपली। राजौड़ी बीच से होते हुए हम कलम पे पहुंच गए, कलम बीच पे। बीच में पानी नहीं था वहाँ पे, तो इस वजह से रास्ते पूरे क्लियर थे, और यहाँ पे तो गजब की भीड़ लगी हुई है। ये बीच एक साल पहले सबसे खाली बीचेस में से एक हुआ करता था वसई विरार के। बहुत सारे खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल्स भी लग गए हैं, कुछ ज़्यादा ही एक लहजे से देखा जाए तो। ये प्लेस की सुकून इस तरीके से जब हम वीडियो में फिल्मा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो में शायद जैसा फील हो रहा है, उतना भी खुशनुमा माहौल नहीं है। और ये आसपास पूरे गांव हैं, बिल्कुल भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी बड़ी इमारतों से हम हार्डली 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं जहाँ पर ये इतना खूबसूरत गाँव है। इट रियली फील्स गुड यार, हफ्ते में एक दिन अगर इस साइड आ जाए ना। कुआ है यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा, ओपन है। इंटरनेट की मुझे इस वक्त ज़रूरत है, और यहाँ पे नेट है नहीं। वर्कआउट अभी फिनिश किया मैंने, और लगभग सालों हो गए अभी तक बियर्ड क्लीन नहीं किया मैं, और टाइम टू टाइम लुक में चेंजेस आवश्यक हैं। सच कहूँ तो मेरा भी कुछ खास मन नहीं है कि मैं अपने बियर्ड क्लीन करूँ। इस वक्त मेरे हाथ में MI का बियर्ड ट्रिमर है, जिसे मैं पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसका अनबॉक्सिंग भी काइंड ऑफ कर लेते हैं। हालांकि पहले भी मैं इसे ओपन कर चुका हूँ, बट इसका जो फर्स्ट लुक हमारे हाथ में आता है वो काफी स्मूथ आता है। और चलिए अब करते हैं इसका इस्तेमाल। हालांकि इसके साथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, चार्जर भी नहीं दिया हुआ है, उसे भी अपना इस्तेमाल करना है, केबल सिर्फ हमारे पास है। अगर मैं इस MI के बियर्ड ट्रिमर की बात करूं तो मैं इसे रेट करूंगा 3/5। वैसे सच कहूँ तो आई अंडरस्टैंड, ये मेरे फेस पे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है इस प्रकार का मूछ, तो जस्ट एक कैमरे के शॉट के लिए मैंने ले लिया था। इसको निकाल देते हैं इसी ट्रिमर के द्वारा। ये मैं हमेशा मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बियर्ड को ट्रिम करना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स बहुत टफ हो जाता है। अगर मैं बियर्ड रख रहा हूँ तो 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कभी कभी एक बार ट्रिम करता हूँ तो भी काम चल जाता है। हालांकि बियर्ड बड़े हो जाते हैं, बट वो लुक रफ एंड टफ बढ़िया लगता है। वैसे बहुत हो गई बियर्ड एंड ऑल की बातें, अब इन बातों को यहीं पे विराम देते हैं, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद के जो क्लिप्स होंगे वो काफी मजेदार होंगे इस ब्लॉग के। इस वक्त स्टेशन पे आए हुए हैं, थोड़े वक्त बाद हमें एक जगह पे निकलना है, और वहाँ का सब कुछ तामझाम इंतजाम करके एक दूसरी जगह पे वापस
निकलना है। ऑब्वियसली कई सारे लोग तो इस बियर्ड की वजह से मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वर्षों बाद मैंने बियर्ड अपने निकाले, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें एक वक्त के बाद अपने ग्रूमिंग स्टाइल में, अपने लुक्स में चेंजेस करते रहना चाहिए। वो हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है और लाइफ में थोड़ा बदलाव होता है ना। कल सुबह होते होते JW मैरियट, जो कि अंधेरी में एक 5-स्टार होटल है, वहां पे निकलना है एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। निकल रहे हैं आज के वेन्यू के लिए, जहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह है जिसके बारे में मैं पिछले दिन बात कर रहा था। तो भैया हम हो गए तैयार और इसी के साथ हम यहाँ पे पहुँच गए। वेल एम्बियंस यहाँ का बहुत ही कमाल का है, आई मस्ट से। और ये वो प्लेस है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है आज का। यहाँ पे कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। चाय दे देना विद शुगर देना। और ये आई हमारी चाय। 5-स्टार में आके ऐसे ग्लास में चाय पीने का मजा, एंड इससे अच्छी टपरी की चाय दरअसल होती है, और ये सच्चाई है। इस वक्त हम कोटियार मैरियट होटल, जो कि अंधेरी में है, यहाँ पे थे, और ये एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस था। आप कभी किसी फॉर्मल मीटिंग्स में रहते हैं, वहाँ पे ब्लॉग करना बहुत टफ होता है। ब्लॉग की लेंथ थोड़ी बढ़ानी भी है मुझे, तो थोड़ी बहुत तो रिकॉर्ड करना बनता है आप सभी के लिए, बट स्टिल फॉर्मल मीटिंग्स में जैसा कि मैंने बताया, रिकॉर्ड करना बहुत ही टफ होता है। फोन भी इसी बीच डिस्चार्ज हो गया है, तो थोड़ा इसके चार्जिंग का इंतजाम करते हैं। और ये हमें यहाँ पे मिल गया। वेल, ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेस हो सकता है, जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपकी हैं। यस, ये मेरी ही है। आई न्यू इट। ये प्लेस से हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है, कुछ जूसेस वगैरह मिल जाएंगे तो ऑफ कोर्स बस उतना तक ही सीमित रहेंगे। और भाई साहब, पीने के लिए जो तामझाम इंतजाम हो रखा है यहाँ पे, क्या कहने। ये बड़े बोतल किसको चाहिए। यहाँ ऊपर से व्यू कुछ इस प्रकार से है सामने का। बर्फ डाल दिया। It's now 6 years. It was around 5 years we took it close to now. Just एकदम थोड़ा। I want to try only. Yeah, that's enough. Thanks. इतना थोड़ा सा लिया है, वाइन है ये, और इसको चाय करते हैं। आज तक कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया मैंने, लेट्स सी इतना कर पाता हूँ कि नहीं। पहली बार इसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कैसा होता है, कैसे एक टेस्ट करता है आपको बताता हूँ। और वीडियोज़ में ऑफकोर्स ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट ये जस्ट मैं एक बार ऐसे ही कर रहा हूँ। दैट्स इट। और ये हमसे ना हो पाएगा, बट स्टिल दूसरी। और ये सही कहूँ आपको मैं, तो हद से ज्यादा कड़वा है। मैंने बोला था ना मुझसे नहीं हो पाएगा। टेस्टिंग इसका हो गया है खत्म, और बस अब ये यहाँ जा रहा है। बहुत कड़वा लग रहा है और अजीबोगरीब टेस्ट है उसका। तो भैया हमारा यहाँ पे खाना जिसे करते हैं खत्म। भैया किसी भी 5-स्टार होटल में आप खाना खा लो, लेकिन जो अपने कंफर्ट में और वो एक एवरेज की प्लेसेस में खाने का टेस्ट होता है ना, वो चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ नहीं मिलेगा आपको। आई पर्सनली फील इट यार, मतलब कभी भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में आता हूँ मैं, तो मुझे खाना इन्जॉय नहीं कर पाता मैं जितना करना चाहिए। आजकल वॉकआउट थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा टेस्ट के लिए ले लिया। इंतज़ार के बाद हमारे काम की चीज़ हमें मिल गई, कोल्ड ड्रिंक। एक बर्फ डाल दीजिए इसमें। वेल, तो इसी के साथ सारा कार्यक्रम हो चुका है समाप्त, और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस वीडियो की भी समाप्ति कर ली जाए। तो इसी नोट पे इस वीडियो को हम शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। आगे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है अभी।